हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू स्क्वाश। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की कितनी गोल्डन मेमोरीज है और पाकिस्तान ने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हुए इन दी फील्ड ऑफ स्क्वाश। आज स्क्वाश के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमने एक अजीम प्लेयर को खो दिया है। आज एक बहुत बुरी न्यूज़ सामने आई है यूके से कि आज़म खान इन द एज ऑफ 95 हैज़ बीन डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। इसका मतलब है कि आज़म खान अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो फोत हो चुके हैं इन द एज ऑफ 95। ये वही आज़म खान है जो हाशिम खान के भाई है, और ये वही आज़म खान है जिसने तीन दफ़ा ब्रिटिश ओपन जीता है, जिसका 1951 में इसने ब्रिटिश ओपन जीता, फिर 1959 में जीता, और फिर साथ ही साथ 1962 में इसने ब्रिटिश ओपन जीता। और ये बहुत ही बोलते हैं मंजा हुआ खिलाड़ी था इन दी फील्ड ऑफ स्क्वाश, और इसने पाकिस्तान के लिए तीन ब्रिटिश ओपन जीते हैं। और ये हाशिम खान का भाई, और हाशिम खान भी एक अच्छा स्क्वाश का प्लेयर, और अब ये अजीम स्क्वाश प्लेयर हमारे दरमियान नहीं रहा, और ये इन दी एज ऑफ 95 हैज़ बीन डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस ने दुनिया को हिला दिया है, लेकिन अब वो प्लेयर्स को भी हिला रहा है, और साथ ही साथ हर चीज़ पूरी दुनिया एक तरह से वो हो गई, सुन हो गई है। और ये अब एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि आज़म खान हैज़ बीन डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। ये बहुत ही वो बोलते हैं ना कि मेरे मुंह में लफ्ज़ नहीं है, कितना बड़ा अजीम स्क्वाश प्लेयर हमारे दरमियान में नहीं रहा। बस अब उसके लिए मगफरत के लिए हम दुआई कर सकते हैं, और इन द एज ऑफ 95 तो उसने अपनी ज़िंदगी तो जी ली, लेकिन एक अजीम प्लेयर हमारे दरमियान अब नहीं रहा। तो आज की न्यूज़ यही थी कि स्क्वाश प्लेयर की आपने शेयर करा था कि आज एक स्क्वाश प्लेयर हमारे दरमियान नहीं रहा, तो उसके लिए दुआ कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।